नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निम्मे सन्हा। बिहार में सियासी संग्राम छिड़ चुका है। यहां बुधवार को भाकपा माले हुंकार भरेंगे। इसको लेकर पटना के गांधी मैदान में तैयारियां जोरों पर है। वहीं यह रैली लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली के नाम से जाना जा रहा है। भाकपा के इस रैली का मूल आधार है विपक्षी पार्टियों को एकजुट करना। देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में राजनीति तेज हो गई है। आपको बता दें कि भाकपा माले की रैली बुधवार को पटना के गांधी मैदान में हो रही है। इसको लेकर पटना की मुख्य सड़कों को लाल झंडों से सजाया गया है। वहीं गांधी मैदान के साथ ही उसके चारों ओर की सड़कों पर बड़ी संख्या में पोस्टर लगाए गए हैं। कई जगहों पर तोरण से एंट्री गेट भी सजाए गए हैं। वहीं इस रैली का नाम दिया गया है लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली। वहीं आपको यह भी बता दें कि रैली के जरिए भाकपा माले महागठबंधन के अंदर अपनी ताकत तो दिखा ही रही है। इसके साथ ही बीजेपी के खिलाफ विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की भी बड़ी तैयारी है। रैली के बाद कल यानी 16 फरवरी से माले का महाधिवेशन शुरू हो रहा है। यह 20 फरवरी तक चलेगा। यह पार्टी का 11वां महाधिवेशन है। इसकी मेजबानी बिहार कर रहा है। वहीं इसका 10वां महाधिवेशन पंजाब के मानसा में हुआ था। इसी के साथ आपको बता दें कि महाधिवेशन में तमाम लेफ्ट पार्टियों के साथ ही कई तरह के संगठनों को इसमें शामिल भी किया गया है। बिहार के विभिन्न जिलों से संगठन के नेताओं सहित कार्यकर्ताओं गांधी मैदान की रैली में मंगलवार की रात से ही पहुंचने लगे थे। बुधवार की सुबह ट्रेन और सड़क मार्ग से बड़ी संख्या में लोग रैली में पहुंचे हुए हैं। माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य सहित कई नेता रैली को संबोधित करने वाले हैं। गांधी मैदान में इसको लेकर बड़ी तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, कैपिटल टीवी। बहरहाल भाकपा माले की रैली होली से पहले बिहार की सियासत में क्या रंग बिखेरती है, ये देखना अभी बाकी है। वहीं विपक्षियों को एकजुट करना भी भाकपा के लिए बड़ी चुनौती से कम नहीं है। बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। दीजिए इजाजत। नमस्कार।